Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English Literacy channel. Today we are going to discuss about the second poem of Frog. Frogs are called to arms. अब आई डोंट थिंक सो कि आपको ये ज़रूरत है इसकी बायोग्राफी डिस्कस करने की या हिस्ट्री डिस्कस करने की, टाइम पीरियड डिस्कस करने की, क्योंकि मैं अपनी द सेम पोएम जो अपलोड हो चुकी है उसमें तमाम चीज़ें जो है वो बता चुकी हूँ. ठीक है, तो अब हमें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हमें पोएम पे जाना चाहिए. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉल टू आर्म्स का मतलब क्या है, क्योंकि जो टाइटल होता है वो हेल्प करता है पूरी पोएम को अंडरस्टैंड करवाने में. हियर शी यूज द वर्ड आर्म, डजंट मीन डैट बाजू. इसका मतलब यहाँ पे यूज हुआ है वेपन्स. ठीक है, वेपन्स कौन से हैं? वीमेन पावर. ठीक है, जो औरत की पावर है यहाँ पे सबसे बड़ा वेपन वो है. वीमेन्स के राइट, वीमेन्स के आवाज़ उठाना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे वेपन्स हैं. यानी कि उन हथियारों को ये मतलब उजागर कर रही है, उनको पावर दे रही है, उनको इनक्रेज कर रही है कि उठो, अपने लिए आवाज़ उठाओ. ठीक है, उनको ये पुकार रही है कि तुम हथियार हो, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि ये फेमिनिस्ट है. ठीक है, कहती है कि मैस्कुलिनिटी पावर कुछ भी नहीं होती, जो फीमेल की पावर है ना वो ही सबसे बड़ी पावर है. क्यों? क्योंकि एक मर्द, तुम ही तो उसको पैदा करती हो, तुम ही तो उसकी परवरिश करती हो, तुम ही तो उसको पालती हो, और फिर जब पाल देती हो तुम्हें इतनी पावर है कि तुम पैदा करके, परवरिश करके, पाल के उसको एक मर्द बनाती हो, जवान मर्द, ताकतवर मर्द. तो सोचो फिर तुम कितनी ताकतवर होगी जो तुम उस मर्द को खुद ताकतवर बनाती हो, और फिर वो तुम ही पे अपने हक जिताने लग जाता है, तुम्हें अप्रेस करने लग जाता है, डिप्रेस करता है, चाहता है कि तुम्हारी आवाज़ कभी रेज ना हो सके. ठीक है, जबकि तुम्हें राइट होना चाहिए कि तुम अपनी आवाज़ बुलंद कर सको. तो उठो और अपने लिए कुछ करो, क्योंकि यू आर द मेन पावर, नॉट द मैन, वीमैन. ठीक है, अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं इसकी पोएम का. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. ठीक है, और उसके बाद कि आपने इसका रिदम, राइम स्कीम या जो भी क्रिटिकल एनालिसिस है ये आपने देखा होगा, ये ब्लैंक वर्सेस में लिखती है ज़्यादातर. ठीक है, सीन पोइम भी इसने ब्लैंक वर्सेस में, कोई इसमें रिदम राइम नहीं नज़र आ रहा. ठीक है, कोई इसकी राइमिंग स्कीम नहीं है, और इसमें मेटाफर यूज़ किया है उसने बहुत ज़्यादा. ठीक है, और इसने सिमिलीज यूज़ की हुई हैं, इसने बहुत लिटरेरी वर्सेस यूज़ किए हुए हैं. ठीक है, तो लिटरेरी वर्सेस आपको पता है किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो काइंडली इसके लिटरेरी डिवाइस जो है वो आप वीडियो जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखें और मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस इस फ्रॉग फ्रॉग दग ने यूज़ किए हुए हैं इस पोएम में. ठीक है, सो अब हम पोएम की तरफ चलते हैं. ओनली यू, यहाँ पे ओनली वर्ड यूज़ हुआ है, ओनली यू. ओ इरानियन वीमेन, अपने अपनी औरतों को, ईरान की औरतों को मुखातिब कर रही है, क्योंकि वो ईरानियन राइटर है, पोइटर. और ओनली यू ओ इरानियन वीमेन हैव रिमेंड इन बॉन्ड ऑफ रिचनेस, मिसफॉर्चून एंड क्रुएलिटी. कहती है कि तुम एक ईरानी औरत, क्या तुम चाहती हो कि तुम इन्हीं बेड़ियों में बंधी रहो, जुल्म की, बदकिस्मती की, बदहाली की. इफ़ यू वॉन्ट दीज बॉन्ड ब्रोकन, अगर चाहती हो कि ये बेड़ियाँ, ये बंधन, ये बॉन्ड्स टूट जाएं, क्रैश द स्कर्ट ऑफ ऑब्स्टेंसी, तो तुम सख्त बन जाओ. ठीक है, तुम पुरअज़मी का दामन समेट लो, उन पुरअज़मी को अपने दामन में समेट लो. ठीक है, हिम्मत और हौसले का दामन थाम लो. अब यहाँ पे आपको नज़र आ गया किस तरह इनक्रेज कर रही है वो वीमेंस को. क्यों? क्योंकि वो एक फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट का काम ही वीमेंस को. अब
एक फेमिनिस्ट के लिए दुनिया बड़ी तंग होती है, क्यों? क्योंकि वो औरतों पे लिखती हैं और औरतों को यू नो वेरी वेल कि क्या समझा जाता है। अब वो औरतों को इसलिए उजागर कर रही है, इनकरेज कर रही है, ताकि वो आवाज़ उठाएं और उसकी राइटिंग को भी प्रमोट किया जाए, उसको भी कुछ समझा जाए, उसकी राइटिंग को भी जो है प्रेफर किया जाए। क्यों? क्योंकि एक राइटर जब लिखता है तो उसका दिल होता है कि उसका ये ख्वाहिश होती है कि उसकी राइटिंग को सराहा जाए, अप्रिशिएट किया जाए। और फेमिनिस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, अब मंटो जैसे के लिए मुश्किल था तो फेमिनिस्ट के लिए तो मुश्किल होना ही था फीमेल राइटर के लिए। तो अब इस वजह से कि जब वीमेंस को राइट मिलने लग जाएंगे फीमेल्स को, तो मेरी राइटिंग को भी प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। डू नॉट रिलेंट बिकॉज ऑफ प्लीजिंग प्रॉमिस, कहती है कि तुम उनके झूठे वादों में मत आना, उनको तस्लीम मत करना। नेवर सबमिट टू ट्रेनिंग, कभी उनके सामने मत झुकना, उनके जुल्म के सामने मत झुकना। बिकम अ फ्लड ऑफ एंगर, तुम अपने अंदर सैलाब ले आओ गुस्से का, नफरत का, दर्द का, क्योंकि वो सैलाब जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तभी तुम आवाज़ उठा सकोगी, तभी तुम अपने अंदर का गुस्सा शो करवा सकोगी, अपने अंदर की नफरत शो करवा सकोगी, जो तुम्हारे अंदर दर्द है वो निकाल सकोगी बाहर। एक्साइज द हैवी स्टोन ऑफ क्रुएल्टी, इन पत्थरों को जो जुल्म के पत्थर हैं उनको निकाल फेंको, क्योंकि वही तुम्हारे गुस्से, नफरत और दर्द की सैलाब को रोके हुए हैं। जब तुम उस पत्थर को निकाल दोगी तो सैलाब बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिससे वो मर्द जो बाहर खड़ा है, जो बड़ी अकड़ से खड़ा है कि मैंने जुल्म का पहाड़ पत्थर आगे रखा हुआ है, कुछ नहीं हो सकता, वो भी उस जुल्म, गुस्से और नफरत के समंदर में बह जाएगा। वो बहुत कमज़ोर है, क्यों कमज़ोर है? क्योंकि तुमने उसे पाला है, तुमने उसे पैदा किया है, वो तुम्हारी क्रिएशन है, तुम उसकी क्रिएटर हो। तो क्रिएटर क्रिएशन से ज़्यादा फुल पावरफुल होती है। इट इज़ योर वार्म एम्ब्रेसिंग बॉसम, अब ये कहती है ये तुम्हारी ही बातें, नरम दिली, खुश मिजाजी वही है जिसने मर्द को प्राउडी बनाया हुआ है, गुरूर वाला बनाया हुआ, अकड़ वाला बनाया हुआ है। इट इज़ योर जो स्माइल, तुम्हारी एक खुशहाल सी स्माइल है, खूबसूरत स्माइल है, डेट बेस्टोज ऑन द हार्ट वार्मथ एंड विगर, जो उसके लहू को, जो उसके जिगर को, जो उसके दिल को गर्माती है, और उसको लगता है कि औरत बहुत नर्म है, औरत बहुत ज़्यादा हसमुख है, उसको उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, वो सिर्फ डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए बनी है, वो सिर्फ झुकने के लिए बनी है। किसको, किसने उसको ये चीज़ें दी? तुम ही हो औरत, तुम ही ने तो उसको सब कुछ दिया। जब तुम उसको हौसला देते थे, तुम जब तुम उसकी हर बात मानती थी, तब उसको लगता था, जब तुम उसके तुम्हारी आवाज़ धीमी होती थी उसकी आवाज़ ऊँची होती थी, तो उसको लगता था कि मैं प्राउड ही हूँ, मैं बड़ा एरोगेंट हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, औरत कुछ भी नहीं है, मैं सुपीरियर हूँ, औरत इन्फीरियर है। कि तुम्हारी ही खुश मिजाजी, नरम दिली ने उसको बनाया है। फॉर डैट पर्सन हु इज़ योर क्रिएशन, वो बंदा, वो पर्सन जो तुम्हारी ही क्रिएशन है, टू इन्जॉय प्रेफरेंस एंड सुपीरियरिटी इज शेमफुल, वो प्रेफरेंस इंजॉय कर रहा है, वही सुपीरियरिटी इंजॉय कर रहा है, जबकि तुम्हें ये सब कुछ इंजॉय करना चाहिए। कितनी शर्म की बात है कि वो अपने आप को सुपीरियर कह रहा है, तुम्हें इन्फीरियर कह रहा है, वो हर चीज़ जॉय कर रहा है, प्रेफर हो किया जा रहा है उसको, ठीक है, उसकी अकड़ को, उसकी ईगो को, हर चीज़ को, कितनी शर्म की बात है। अब नेक्स्ट वो कहती है, विमेन, औरत को कहती है, टेक एक्शन बिकॉज अ वर्ल्ड अवेट एंड इज इन टॉन विद यू, कहती है कि अब ए औरत उठो और एक्शन लो इस जुल्म, जालिम मर्द के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे इंतज़ार में है, ये दुनिया इंतज़ार कर रही है कि कोई एक्शन ले और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। तो इट्स यू जो एक्शन ले सकती है, और तुम एक्शन लो, ठीक है। अब यहाँ पे इनकरेज कर रही है उन सबको, ठीक, क्यों?
क्योंकि वो फेमिनिस्ट है, नज़र तो आ रहा होगा। अब नेक्स्ट में वो चैलेंजेस करती है, किस तरह स्लीपिंग इन डार्क ग्रेव इन हैप्पियर फॉर यू, कहती है कि उस अंधेरी कब्र में सोना मर के अगर तुम आवाज़ उठा दोगी तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी आवाज़ दबा देंगे, तुम्हें मार देंगे। वो कहती है कि अगर तुम मर जाओगी ना तो उस अंधेरी कब्र में सोना तुम्हारे लिए ज़्यादा प्लेयरफुल होगा एज़ कम्पेयर टू कि तुम उसके सामने झुक जाओ, ठीक है। कहती है अगर तुम आवाज़ उठा के मारे जाओगे ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात होगी। डैट दिस एब्जेक्ट सर्विट्यूड एंड मिसफॉर्चून वे इज डैट पिनट मैन यानी कि पंडित को मुखातिब कर रही है। कहती है कहाँ है पंडित, उसको बोलो मेरे सामने आके मुझसे मुकाबला करें और पूछें कि हम पूछें उनसे कि तुम किस तरह ताकतवर हो सकते हो, किस तरह, क्योंकि हमने ही तो तुम्हें पाला है, ठीक है। टेल हिम टू बो हिज हेड हैंड्स फोर्थ एट योर डियर शोल्डर, उसको चाहिए उसे कहो कि अब तुम्हारी चौखट पे सर झुकाए क्योंकि तुम सुपीरियर हो। वेयर इज दैट प्राउड मैन, वो प्राउड मैन किधर है, वो पुरअज़म इंसान किधर है। टेल हिम टू गेट अप, उसको बोलो उठे। बिकम अ वीमैन इज हेयर सिंग टू बैटल हिंट, अब यहाँ पे एक औरत जंग का गाना और या गीत गा रही है। हर वर्ड आर द ट्रूथ, उसके अल्फाज सच्चाई से भरे हुए हैं। इज विच कॉज शी विल नेवर शेड टियर आउट ऑफ वीकनेस, और अब वो कभी भी अपनी कमज़ोरी के आंसू नहीं बहाएगी। क्यों? क्योंकि अब एक वीमैन उठ चुकी है। ये इनक्रेज कर देने वाली पोइम है फॉर वीमैन। यहाँ पे आपको होप नज़र आएगी, इनक्रेजमेंट का थीम नज़र आएगा, ठीक है, फेमिनिज्म का थीम नज़र आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको वीमेंस के साथ जो जुल्म हो रहे हैं उस क्रुएल्टी का थीम नज़र आएगा, ठीक है, और किस तरह उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, किया जाना चाहिए, और किस तरह उन तमाम इंसानों को जो मौलवी पंडित बने हुए हैं, जो बहुत अपने आप को अजीम इंसान पॉप समझते हैं, जितने भी इस्लामिक कैटेगरी में जो भी रिलीजन है, हर रिलीजियस मैन को उसने मतलब उसने पुकारा है, उसने कहा है कि मेरे सामने आओ, और क्योंकि तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो जबकि तुम हमारे ही क्रिएशन हो, हम तुम लोगों के क्रिएटर हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें क्रिएशन और क्रिएटर का थीम भी नज़र आएगा, यहाँ पर तुम्हें स्पिरिटी इन्फिनिटी का थीम नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें तुम लोगों को यहाँ पे वॉइस ऑफ वुमेन का थीम नज़र आएगा। सो यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट, दुआ में याद रखिएगा एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।